चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी तहसील के ग्रामीण भागों में बीते दिनों बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी और वही सरकार द्वारा बाढ़ग्रस्त भाग के गांव को 5 करोड़ की तत्काल मदद देने के निर्णय के साथ प्रत्येक बाढ़ग्रस्त परिवार को 10,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। ब्रह्मपुरी तहसील के बाढ़ग्रस्त भाग के गांव को 5 करोड़ रुपए तत्काल मदद देने के साथ ही प्रत्येक बाढ़ग्रस्त परिवार को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश राज्य के आपत्ति व्यवस्थापन मदद व पुनर्वसन मंत्री तथा चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने दिया है। शासकीय विश्राम गृह ब्रह्मपुरी में सम्पन्न हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने ये जानकारी दी। गौरतलब है ब्रह्मपुरी तहसील के बाढ़ग्रस्त भागों का पालक मंत्री ने दौरा किया और बाढ़ के दौरान खेती पशुधन तथा मालमत्ता के संबंध में हुई हानि का भी उन्होंने निरीक्षण किया तथा गांव के रास्तों की स्थिति का भी उन्होंने अवलोकन किया और कोरोना के संक्रमण के दौरान बाढ़ग्रस्त के नागरिकों के आरोग्य के संबंध में भी उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, जिसके तहत आरोग्य विभाग द्वारा गांव-गांव में आरोग्य जांच कैंप लगाया जाएगा और बाढ़ग्रस्त भाग के नागरिकों को शुद्ध पीने का पानी मिले इसके लिए नगर परिषद द्वारा साथ ही निजी टैंकरों द्वारा गांव-गांव में पानी पहुंचाने की भी व्यवस्था का निर्देश उन्होंने दिया और इस बाढ़ के दौरान जिन नागरिकों के घरों का नुकसान हुआ है उसका पंचनामा करें, इस संबंध में भी उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सूचना दी और साथ ही बाढ़ग्रस्त भाग के नागरिकों को बाहर निकालने में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया ऐसे लोगों का भी उन्होंने गौरव किया, जिसमें जिलाधिकारी कार्यालय के बचाव दल के विजय गुनगुने, सुधाकर आत्राम, राहुल पाटिल, राजपाल नाइक, अनिल निकेसर, मिथुन मड़ावी, राजू निम्बालकर, राजू टेकाम, साथी चंद्रपुर पुलिस आपत्ति टीम के अशोक गर्गेलवार, मंगेश मत्ते, वामन अक्षिने, गिरीश मरापे, दिलीप चौहान, समीर चापले, विकी खांडेकर, सुचित मोगरे, अजित बाय, उमेश बनकर आदि का समावेश है। आता प्राथमिक माहितीनुसार ब्रह्मपुरी तालुक्यातील किंवा जिल्ह्यातील अंदाज घेतला तर 8 ते 10,000 कुटुंब उद्ध्वस्त झालेले आहे, म्हणजे पूर्णतः घरं पडले, अनेकांच्या घरातलं साहित्य नष्ट झालेलं आहे, भिजलेलं आहे, धान्य भिजलेलं आहे, त्यामुळे आत्ताची परिस्थिती अशी आहे की कुठेच त्यांना खाण्याची व्यवस्था नाही, जेवणाचीसुद्धा व्यवस्था नाही, म्हणून तातडीनं उद्यापासून प्रत्येक कुटुंबाच्या खात्यात 10,000 रुपये, 5,000 रुपये कपड्यांसाठी आणि 5,000 रुपये भांडी आणि धान्यांसाठी अशा त्याचं स्वरूप असणार आहे। ही प्राथमिक स्वरूपाची मदत आहे, खावटी रूपाची मदत असणार आहे, प्रति कुटुंबाला 10,000 रुपये। त्यानंतर घराचं सर्वेक्षण झाल्यानंतर पूर्णतः घर कोसळलं असेल त्याला 95,000 रुपयांपर्यंतची HDRFच्या निकषाप्रमाणे त्याला मदत करू, किंवा ज्यांचं घर राहण्याजोगं नाही दुरुस्ती करता येईल त्याला 50,000 रुपयांपर्यंतची आणि अंशतः असेल त्याला 15,000 रुपये या पद्धतीचं हे नुकसान भरपाईचं जरूर ठरणार आहे। पण हे सर्वेक्षण झाल्यानंतर त्यामध्ये त्याची तातडीनं सर्वेक्षण करून 8 दिवसामध्ये हा निर्णयसुद्धा आम्ही घेणार आणि पुढील 2-3 दिवसामध्ये या सर्व बाधित कुटुंबाच्या खात्यामध्ये पैसे गोळा होतील। तत्पूर्वी आत्ता आमचे सगळे गावागावातील कार्यकर्त्यांना आम्ही निर्देश दिले आहेत की तोपर्यंत त्या गावामध्येच त्यांच्या जेवणाची आणि पाण्याची पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आमच्या कार्यकर्त्यांना आम्ही सूचना दिली आहे। 2-3 दिवस पुढचे सर्व पैसे त्यांच्या खात्यापर्यंत पडतपर्यंत पुढचे 2 दिवस काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांच्याकडून नंतर कार्यकर्ते तालुका काँग्रेस यांच्या माध्यमातून ते 2 दिवसाची भोजनाची पूर्ण व्यवस्था बाधित गावामध्ये आम्ही करायचं ठरवलेलं आहे।